जब इस पर कोई चलता है वो ये भी नहीं सोचता कि ये किसी मजदूर ने बनाया है। मैंने तो आधा बनाया, हवा निकल गई। हिंदुस्तान जो बन रहा है ये आप लोग तो बना रहे हो। जब से ये हमारी बीजेपी आई है पूरा सर्वनाश कर दिया इसने, गरीबों को ही नाश कर दिया बीजेपी ने। कभी कोई टाइम था कि कभी कोई बंदा बाहर नहीं निकल के आया, सब अपनी खेती किसानी में घर बार में सब खाड़ता कमाता था। आज ये नौबता के चौक बैठे एक दिन कमा रहे हैं, चार दिन भूखे बैठ रहे हैं। एक दो दिन मिलता हफ्ते में काम, 500-700 रुपये झाड़ी बना के चलते हैं यहाँ से। अपना जैसे भी दाल रोटी मिलती है, चटनी है, कभी मिर्च भून के खा लेते हैं, कभी कुछ इस तरीके चल रहा है। भैया ये साथ में ये साथ में उधर चलो समझना चाहता हूँ यहाँ पे होता क्या है। सर ये मजबूर आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पर, कोई कारपेंटर है, कोई पेंटर है, कोई लकड़ी का काम करता है, सभी इस तरीके के। आपको मतलब एक दिन का काम मिलता है या 5-10-15 दिन का काम? एक दिन का, 10-8 लोग काम मुश्किल से निकलता है। 11-12 बजे तक बैठे निकल जाते हैं, रात को 9-10 बजे तक यहाँ बैठा रहता है। आपको ये नहीं कल क्या होना है, कल का कोई पता नहीं है। मतलब आप एक दिन की? एक दिन का। जी जी एक दिन। सर हम पहले जो थे बहुत आपका सरकार था, बहुत हम लोग खुश थे, रोज का काम मिल जाता था, अब कामें नहीं आ रहा है। तो कंस्ट्रक्शन तो हो रहा होगा सर? कंस्ट्रक्शन में उतना काम ही नहीं है ना सर, थक जाता है, काम ही नहीं है। अच्छा, अगर आपको और ठेकेदार के बीच में मतलब आपको कितना पैसा मिलता है, उसको कितना मिलता है? 500-550। अच्छा एक बात बताओ, आपके बच्चे कितने? बच्चे तो है 4 लड़का। तो उनको आप मतलब पढ़ाते हो? पढ़ाए कहाँ सर, पैसे नहीं है तो कहाँ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? सर कमाएगा तभी तो स्कूल भेजेगा बच्चे को, गरीब आदमी है सर। तो आपके लिए सबसे मुश्किल बात क्या है? मुश्किल बात टेंशन किस बात की बनती है? टेंशन ये है जी रोज रोटी मिल जाए, उन्हें कोई बात नहीं हमारे पास। मतलब आप काम करना चाहते हो बस काम नहीं है? रोज काम नहीं होता ना सर, यहाँ पे 10 ही लोग को काम मिलता है। आप सबका अपना अपना घर है, किराए पे रहता है? सब मेरा भी, मैं भी किराए पे सर। किराया कितना लगता है आपका? 3,500 लगता है, बिजली बिल अलग से सर। हम लोग का बिल कितना आता है ये महीने का? अभी तो गर्मी का मौसम है, 700-800 आ जाता है सर। कुल मिलाकर जब से ये सरकार आई है, जब से मजदूर आदमी की आपत्ति कुल मिलाकर सबसे ज्यादा परेशानी है सर। 99% रो रहा है, 1% पार्लर में कह ही दिया था कि मजदूर को गरीबी हटा दूंगा, तो गरीबी क्या हटाए, वो तो गरीबी हटाने की कोशिश है। चलो जल्दी जी हमारे लिए साथ लेबर के साथ बैठ के अच्छी बात बोल गए, सहयोग दे गए, इतना हम मजदूर के लिए बहुत होता है, एक दिलासा देना बहुत अच्छी बात होती है। तो आप हमें कहाँ ले जा रहे हो? गोपालपुर। जी थोड़ा बताओ भैया क्या करते हो? पत्थर का काम करते हैं। जब आप काम नहीं मिलता तो क्या करते हो? कुछ नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं, दूसरे से पैसे लेके खाना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, पैसे नहीं मिलते ब्याज पे उठाना पड़ता है, फिर कमाते हैं तो फिर उनको देना पड़ता है पैसे। ब्याज किस रेट पे मिलता है? यहाँ 5 पे मिलता है, 2 पे भी मिलता है, 10 पे भी मिलता है, ज़्यादा जरूरत होता है तो 10 रुपया ब्याज मिलता है। आपका सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ कहाँ लगता है? मैंने पैसा मेरा किराए में लगता है। किराए में कितना जाता है? 5,000 रुपया किराया है और 2-3,000 रुपया बिल आ जाता है महीने का बिजली का। जी आप पैसा बचा पाते? नहीं बच पाता है। जीरो? जीरो हो जाता है। नहीं बचता? नहीं बच, बिल्कुल नहीं बचता, जीरो जीरो हो जाते हैं बिल्कुल। आप ठेकेदार? जी बताइए क्या करना है, कैसे करना है? सर अब इसमें ये पत्थर खड़ा करना है इसको सर, इसमें फिर सूता बांधना है, सूता बांध के इसको सीधा गुनिया में करके उसके बाद इसको लगाना है। लगाए सर? लगाइए। ये पूरा सीखने में आपको कितना समय लगा? 3 साल लगा था सर।
पहले लेबर का काम? हाँ, लेबर का काम किए। कितना फर्क पड़ता है, मतलब पैसा कितना? पैसा 200 रुपया का फर्क है, 600 लेबर को मिलता है और 800 रुपया हमको मिलता है। तो बारिश में तो आपको प्रॉब्लम हो जाता है? जी, काम बंद हो जाता है सर, बारिश होता है तो काम बंद हो जाता है। मशीन से गोपालपुर सबसे मुश्किल काम है, सबसे कम पैसा मिलता है। हाँ जी, हाँ बजट का बहुत ज्यादा काम है, जितना मुश्किल काम है उतना कम पैसा मिलता है, जितना आसान काम है उतना ज्यादा मिलता है। जी, आप भी पसीना है तो पसीने में मेहनत वाला काम होता है। घर बना रहे हो मगर ऐसे घर में आप कभी नहीं रहोगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, सपनों में भी नहीं सोचे। और सबसे मुश्किल काम आप करते हो, कोई सोचता भी नहीं? अभी कर जाता है इससे। जब इस पे कोई चलता है वो ये भी नहीं सोचता कि ये किसी मजदूर ने बनाया है। मैंने मतलब आधा बनाया, हवा निकल गई। मैं बताता हूं, पूरा दिन सर हमको करना पड़ता है इसके बिना। मतलब क्या हिंदुस्तान बैठ जाएगा, खत्म हो जाएगा? जी, हिंदुस्तान जो बन रहा है ये आप लोग तो बना रहे हो जी, मगर आपकी कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सर। मतलब आपको ये भी नहीं मालूम कि आपको कल जॉब मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, कल का तो सोचना नहीं, आपको बस आज का आज सोचना। लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं।